चलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम खेलेंगे फार क्राई 3 का पार्ट 2। और आपको बताना चाहता हूँ कि एक ना छोटी सी गलती हो गई है। पिछली बार हमने लड़की को बचाया था, उसका नाम डेजी था, लीजा नहीं। मतलब हमारी लव इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तो नाम लिया नहीं सालों ने कि भैया वो है कौन। एक बार भी कॉन्वर्जेशन में नाम नहीं लिया उस बंदी का, तो मुझे लगा वो लीजा है। तो गलती से एक मिसकनसेप्शन थी, वो लीजा नहीं डेजी थी। लीजा को हम इस पार्ट में बचाएंगे, पक्का वादा है मेरा। ठीक है, चलो कॉल आ रही है। Did you find your friend? Yeah, yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached. Nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body. Mine will follow. The Tatao will bring you closer. तो गाइज हुआ कुछ नहीं, डेनिस ने हमसे पूछा कि भैया ढूंढ लिया, हमने बोला ढूंढ लिया, थैंक यू। तो इसने थोड़ी मतलब बधाई बधाई चली, उसने बोला कि भैया तुम अकेले जिम्मेदार हो उस विक्ट्री के, तुमने खुद से करा है, जो कि हम है भी भैया, हम अकेले ही खेल रहे हैं, वो तो सिर्फ हेल्प कर रहा है। तो हमने पूछा भैया एक बात बताओ, कोई तरीका है कि हम और भी दोस्तों को ढूंढ सकें। तो ये बोल रहा है कि हाँ भैया है, तो एक शिप है मेड्यूसा में, एक जगह होगी तो वहाँ पर एक सैटेलाइट है, उसके थ्रू ही सब बात करते हैं एक दूसरे से, तो आप वहाँ पे जाओ और सुन लो सबकी बातें, तो हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों का पता चल जाए। तो हम वहीं पे जाते हैं, चलते हैं फिर गाइस। देर किस बात की है ना, रात हो रही है। हाँ ये सही है, सामने ये इसे ग्लाइडर बोलते हैं गैस, इसी से चलेंगे। काफ़ी सही है यार, काफ़ी सही एक्सपीरियंस है, बहुत सही। तो गाइज अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ, एक सेकेंड, आपने देखा थोड़ा चेंज लगा मेरे को या नहीं, सुबह हो गई मेरे को ऐसा लगा। वेल, तो स्टोरी में अभी तक ऐसा हुआ कि हम आइलैंड पे आ गए थे, ये डीजे ने, वो हराम खोर डीजे है, उसने फंसा दिया। देखो सुबह हो रही है यार, मुझे लग रहा है अब लग क्या रहा है, हो रही है। तो हमें अब फंसा दिया, हम पायरेट्स के एरिया में आ गए, वास ने हमें पकड़ लिया, हम भाग गए, हमारा भाई जो है मर गया, लेकिन अभी हमने अपने एक दोस्त को बचा लिया है और अब औरों को बचाने के लिए निकले हैं। तो चलते हैं गाइस, और वैसे मैं ज़्यादा आगे तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा, मतलब कार टाइप्स, देखते हैं क्या मिलता है। वेल, इस ग्लाइडर से जितना आगे बढ़ सके उतना तो बढ़े कम से कम, क्योंकि 1000 मीटर दिखा रहा है इसमें, कुछ 1100 मीटर जैसे भी कह सकते हो। और रही बात गाइस इस गेम के ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स भी अभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं फिर भी, मतलब काफ़ी अच्छे कह सकते हो यार, क्योंकि काफ़ी पुराना गेम है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि फार क्राई 3 की जल्दी निपट जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ मेन मेन क्वेस्ट ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिर्फ मेन स्टोरी, इसलिए हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी हो गेम एंड करने में। क्योंकि देखो हम इसमें सीन क्या है कि हम एक एनिमल्स होते हैं, उनको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट मतलब फाड़ देते हैं, उनको मार के स्किन निकालते हैं, उन्हीं से अपने वो बनाते हैं इक्विपमेंट्स। तो मेरे पास अभी एक ही होल्स्टर है, मतलब मैं एक ही गन रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा रख नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही, मतलब मेरे को अगर कोई बीच में मिल गया जानवर जिसके मैं दो दो गन रख सकूं तो ही मैं कर पाऊंगा, वरना मैं इतना एक्सप्लोर नहीं करा, क्योंकि हम सब जल्दी से एंड करेंगे गेम को स्टोरी समझाते हुए, है ना, यही मोटिव है। तो गेम काफ़ी टफ हो जाएगा। तो आप मेरे को बस इतना बताओ कि क्या ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फार क्राई 4 खेलना चाहिए या नहीं, या सीधे 5, या खेलना भी चाहिए फार क्राई की सीरीज या किसी और गेम। अगर कोई और गेम का नाम है तो भैया कमेंट में सजेस्ट करो। वैसे पिछली वाली वीडियो पे मुझे अच्छा लगा आपने बोला कि फार क्राई 3 की पूरी सीरीज चाहिए, और यहाँ पे हो रही है लड़ाई, मर भी गए हमारे आने से पहले ही ख़त्म यार, शिट। वेल क्या कर सकते हैं, रुको और भी लौंडे आ रहे हैं शायद, गोली चल पड़ी है और कार की आवाज़ आ रही है, ये रहे मर गए, मैं दो ही थे और अपने साथ पूरी गैंग थी। Hello, brother. Walking and talking like you wouldn't believe.
ठीक है अब ये सही है, इतनी की कार लेके भग जाएंगे, क्या ही दिक्कत है ब्रो। अरे और भी आ रहे हैं, ये कौन सा भाई नवाब है, इनको भी ठोक देंगे। वैसे गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैंने पहली बार खेला था वो मेरा फेवरेट गेम बन गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई गेम था नहीं। वैसे एक बात है, इसको अगर आप पीपीपी में रखो ना, मतलब थर्ड पर्सपेक्टिव पर्सन है ना, या फिर क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव या जो भी है, बेसिकली हम बंदे को देख सकते हैं, तो उस वे में फील नहीं आती इस गेम को खेलने में। अभी ऐसा लग रहा है हम सामने बंदे को देख रहे हैं, मतलब अपने बंदे को नहीं देख पा रहे, तो हम एक बंदे की नज़र से देख रहे हैं, है ना, तब उसको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव बोलते हैं, तो ये बहुत ही सही है। अच्छा अरे वो ठीक है, सॉरी गाइस फॉर दिस लैंग्वेज, बट निकल गया यार। वेल जगह नहीं दे रहा था हमें, हमने कमांड कर, अब फिर बैठ गया, चलो हट गया, बैठ नहीं पा रहे। अरे वो फिर बैठ गया यार, कैसा बदतमीज है। यार ये क्या पागलपंती है गाइस, देखो बहुत पागलपंती हो रही है। फिलहाल मैं आपको लेके जाता हूँ डायरेक्ट शिप की साइड, तो वहीं पे मजे करते हैं, ठीक है चलो। तो ऑलराइट गाइस हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे है काफी सिक्योरिटी, वैसे अभी तो एक ही बंदा दिख रहा है, मगर अंदर काफी सिक्योरिटी है, होनी ही चाहिए, बल्कि ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही बंदा है वो भी बाहर। वेल पत्थर फेंक दिया है गाइस हमने, अरे यार देख लिया हमने, चलो मैं टेक डाउन तो कर दिया, शायद किसी को पता नहीं चला है, ये बढ़िया है। तो गाइस ये बोल रहा है कि हमें डिटेक्शन जो है अवॉइड करना है, स्टेल्थली मारना है ताकि किसी को पता ना चले, और वो इसलिए है, इसकी सीधा सीधा वजह है कि अगर रीइन्फोर्समेंट उन्होंने बुला ली, मतलब और बंदे बुला लिए, तो हम बातें कैसे सुनेंगे, समझ रहे हो ना, पता चल जाएगा कि एरिया जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, क्योंकि इतने बेवकूफ़ तो ये भी नहीं है, इन्हें भी पता है, इसने सिक्योरिटी लगा रखा है, मतलब पता ये है कि यहाँ से कोई भी बातें सुन सकता है, इनकी सीक्रेट बातें जो भी चल रही हैं इधर के थ्रू ही होती हैं। अब लेट्स सी, इस बंदे के पास चाबी है, चाबी लेनी होगी दरवाजे की और निकलना होगा, ठीक है। बंदा सामने ही है, पर मैंने फिर भी मतलब मोड़ ना जाए ना गलती से, इसलिए मैंने आगे पत्थर फेंक दिया था, कि भैया मेरे साथ तो ऐसा कई बार हो चुका है कि मतलब सामने देख रहा है मैं जा रहा हूँ मारने, और एकदम से पीछे मुड़ गया, मतलब धोखा। फिलहाल अबे इसको ही मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे काम कर रहा है, मार दिया। ऑलराइट गाइस अब जाना कहाँ से है, जरा ढूंढना पड़ेगा रास्ता, यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये शिप के ऊपर ही जाना है ऑब्वियसली। यहाँ पे तो कहीं नहीं है, अरे यार शिट, मिशन फेल हो जाएगा अब। अरे वाह इससे पहले ही मर गए हम, अच्छा हमें भूल गया था हम टफ में खेलें ना, तो दो चार गोली हमें टपका सकती हैं, और हमें डिटेक्शन तो अवॉइड करना ही था, ये तो मैं भूल ही गया, शिट यार। चलो कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी दिक्कत नहीं है यार, ठीक है बिल्कुल डिटेक्शन जो है अवॉइड करते हुए चलेंगे। मेरे ख्याल से क्या हमने सब बंदों को मार दिया, वो चीज़ सेव हो गई थी, देखो मरे पड़े हैं, यहाँ पे मरा पड़ा है, यहाँ पे तो नहीं मारा था भाई मैंने। वेल जो भी है, चलो ये तो यहीं पे मरा हुआ है, तो हमें आगे जाना है भगते हुए। ओके तो यहाँ पे कुछ बंदे होंगे, देख लेते हैं कौन कौन है, किधर किधर है, इधर ही धोखा हुआ था अपने साथ। अच्छा एक मंद सॉरी मेन बंदा इधर भी है, और तो कोई नहीं दिख रहा यार, कैमरा भी ऑन करा, देखो राइट में था अभी मैंने देखा, देखो सामने, अरे नहीं 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 अच्छा हाँ नहीं दूर है दूर है दूर है, अच्छा वो भी मेन बंदा है, वो बेसिकली कैन थी लाल वाली जिस पर गोली मार के फूट जाएगा, एक्सप्लोजिव थे, मुझे लगा वो बंदा है, कोई बात नहीं इसको टेक डाउन मारते हैं, टेक डाउन मस्त है। और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, राइट में ही होंगे जितने भी होंगे,
और भाई साहब क्या लटका के मार रखा है, फक बड़े कमीने हैं ये जाहिल, इनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स ये गेम है, इतना ध्यान से देखने वाली कोई बात नहीं, मतलब ध्यान से देखने वाली बात तो है क्योंकि डिटेल्स हैं। और एक और बंदा, काश वास होता यार अभी मार देता। और गाइस इस गेम की खास बात ये भी है कि इस पे मेन विलन पे काफ़ी फोकस करा गया है और इसी ही वजह से ही तो ये गेम इतना फेमस हुआ है, एकदम सक्सेस। ठीक है, एक को मार दिया, दूसरा अच्छा बेटे। ठीक है गाइस, रीइंफोर्समेंट तो आने से रही, अब हमें चलना होगा शिप में, है ना। हमने ऑलमोस्ट सारे बंदे मार दिए। ओ भाई साहब ये उल्टा कैसे पड़ा हुआ है, मेरे को ये काफ़ी चीज़ अजीब लगी कि हम मार रहे हैं उड़ के जा रहा है। देखो इधर जाने का तो कोई सेंस नहीं था ना। फिलहाल हमें क्या, शिप में चलते गाइस। और गाइस मुझे आपका एक सजेशन चाहिए क्योंकि आपने फायर क्राई 3 की सीरीज़ बोली है कि पहले वो करो। तो यार देखो मैं बताता हूँ कि मैं असासिन क्रीड ओडेसी की वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पे फुटेजेस भी पड़ी हैं मतलब रिकॉर्डिंग, तो क्या मैं उसको पहले डालूँ या पहले फायर क्राई को ही एंड करूँ, क्योंकि मैंने उस पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और उसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप चैनल पे आ गए हो नए और आप इसको आगे तक फॉलो करने वाले हो या पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को अपनी ओपिनियन दीजिए, मैं आप ही के लिए डालूंगा ना इसलिए। तो आप मेरे को बताओ कि असासिन क्रीड की वीडियो डालूं या पहले फायर क्राई को ही एंड करूं, क्योंकि असासिन क्रीड की वो स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। और ये बात कर रहे हैं, I was told to light up BIOS. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the BIOS. Double the money. Daddy likes. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa. You morons. We're closest. I can see it right now. Shit, they're coming for me. तो गाइस हुआ कुछ नहीं, ये फालतू बातें कर रहे थे इसलिए बताने वाली बात भी नहीं है, लेकिन किसी ने अलार्म बजा दिया है और जिनकी बातें हम सुन रहे थे उन्होंने ये बोला कि भैया कोई घुस चुका है तो अब लौंडे हमें मारने आ रहे हैं, मतलब लौंडे लपाटे, तो अब उनको ठोकना होगा। फिलहाल पता तो कुछ भी नहीं चला, एकदम बेकार ही गया ये, मगर कोई बात नहीं। देखो ये रस सामने है, मारो सालों को। अच्छा बेटे रुक। और गाइस आपने शायद गौर ना कराओ, लेफ्ट में ब्लू ब्लू आ रहा है एक हमारे पावर की साइड में, वो हमारा गार्ड है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बुलेट प्रूफ जैकेट, मतलब मैं लिया इसलिए आ गई है। मुझे लगा मैं बताना भूल गया हूँ बट याद आ गया एकदम से। ठीक है बम पे मार सकते हैं, यार पीछे चला गया, रीलोड करते वक्त टाइम निकल गया यार, वरना बम पे मारता उड़ जाता सीधे। वेल मैं आपसे कह रहा था कि असासिन क्रीड ओडेसी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, वो स्पार्टन्स पे हैं और उनको पर्शियंस आ जाते हैं एकदम से घेर लेते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है यार। अगर आप चाहो तो मैं उसको जल्दी रिलीज़ कर दूंगा, मतलब वीडियो को, क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूँ स्टोरी वो भी अच्छे से। और कैसा लगा, उन्होंने बम फेंका हम अंदर घुस गए और बम हमें छू भी नहीं पाया, है ना मस्त। कल कुछ लौंडे भी बचे हैं और पता मैं खुल के क्यों नहीं खुल रहा हूँ वैसे। अरे वाह जीत गए। Jason, Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. तो गाइस हुआ क्या, ये बोल रहा है कि भैया, मतलब कुछ बात कर रहा था डेनिस से, तो डेनिस ने बोल दिया भैया वास में मरता हुआ देखना चाहता है, बात करने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से आओ अपने विलेज में अमानाकी जो है, और हमें ज़रूरी काम की बात करनी है तो जल्दी से आओ, तो हम भी भगते हुए चलते हैं। और गाइस मैं आपको बता रहा था कि भैया मैं खुल के क्यों नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि भैया एक दो गोली पड़ेंगी मैं मर जाऊँगा। पहली बात तो मैं एक्सप्लोर कर नहीं रहा हूँ उस गेम को, जैसा कि मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ, सोच रहे होंगे क्यों पका रहा है मेरे को, तो क्या मेरे पे एक ही गन होगी, रीलोड करने में टाइम लगेगा तो दिक्कत होगी, ऊपर से हम टफ पे खेल रहे हैं तो जल्दी से मर जाएंगे ना यार, दो चार गोली लगी भी तो, इसलिए ज़रा छुप छुप के भी खेलना पड़ रहा है अभी बिल्कुल, मतलब शान से नहीं खेल पा रहे ना, एकदम सामने आके खेलो कि आ जा मार तू मेरे को, वो नहीं कर पाएंगे हम अभी। वेल मैं आपको सीधा विलेज पे लेके चलता हूँ, ये लूटम लाठी देखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो चलो गाइस। तो ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं विलेज सीधे फास्ट ट्रैवल करके,
पहले मैं चला रहा था बोट, लेकिन फिर मुझे आता है फास्ट ट्रैवल भी तो कर सकते हैं। फायदा क्या था यार इतना मेहनत करने का। और मैं इसी हटा देता हूँ, ये फालतू बोलेगी। और गाइस मैंने सामान बेच दिया है, थोड़ा पैसा भी कमा लिया। और ये वही बोले जा रही है कि भैया टावर को सिग्नल वो ऑन कर देना, रेडियो वगैरह वगैरह, पागल बनती। तो गाइस ये बोल रहा है कि भैया वास जो है वो प्रिपेयर कर रहा है अटैक करने के लिए विलेज पे। तो भैया ये बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं बेसिकली कि भैया मेरे भी दोस्त जो है मुश्किल में है। तो ये बोल रहा है भैया प्लीज हेल्प कर, क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्प करोगे तभी वास कमजोर होगा और तुम्हारी भी और ज्यादा मदद होगी। तो ये बोल रहा है कि भैया प्लीज हमारे लिए भी लड़ ले भाई, राकियात जो है वो मर जाएंगे वरना। अभी शायद मान जाएगा, या मान गया, मतलब मानना ही था यार, वरना इनके बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये डेनिस कह रहा है कि भैया मुझे पहले से भरोसा था कि भैया हम तुम्हें काउंट कर सकते हैं। तो गाइस ये कह रहा है बेसिकली कि भैया जो ये गन्स है ना, जो अपने वेपन्स हैं, ये एक कैंप पे रखते हैं, जंगल की साइड है, मतलब पूरा अबे पूरा आइलैंड ही जंगल है ये साला। तो वहां पे अलार्म बंद कर दो पहले, ताकि अपने okay. और बंदे ना बुला सके, और बम से उड़ा दो। अब बम से उड़ा दोगे तो वेपन ही नहीं होंगे, वेपन ही नहीं होंगे तो साला अटैक कहाँ से करेंगे, है ना बात। अटैक ही नहीं कर पाएंगे तो भाई हम सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा मिशन। वेल फिलहाल हम चलते हैं अड्डे पे, जब अड्डे पे जाएंगे अलार्म बंद करेंगे और फिर हम तहलका मचाएंगे, बम से उड़ा देंगे जगह पूरी की पूरी, मजा आ जाएगा है ना। और गाइस एक बात बताओ, मैं वॉच डॉग्स 2 की वीडियो भी डाल रहा था, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, शायद लोग पसंद नहीं कर रहे, आप लोग पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने ना पूरा गेम का एंड कर दिया है। बस ये है कि अगर आपको पसंद आए तो मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ सीधा सीधा। अगर आपको अच्छी हो तो बता देना, मैं अपलोड करूँगा, करूँगा तो हूँ ही, लेकिन बाद में शायद, बाद में जो सब्सक्राइबर उनको पसंद आए, मे बी, आई डोंट नो। फिलहाल अगर भी आपको पसंद हो तो मैं उसको भी डाल सकता हूँ, बाकी असासिन क्रीड भी है और GTA 5 भी है। तो आप बताओ कौन सा आपको पसंद आएगा गेम। क्योंकि फायर क्राई 3 तो चलती रहेगी, फायर क्राई 3 को तो कोई भी नहीं रोक सकता। और प्लान तो कुछ ऐसा ही है कि फायर क्राई 4 और 5 भी डलेगा। और फायर क्राई 5 और न्यू डॉन की स्टोरी जो है ना वो एक ही है, मतलब 5 के बाद जो ख़त्म हो जाती है स्टोरी, न्यू डॉन उसके आगे से शुरू होती है। तो बताना वो भी डालनी है कि नहीं, वैसे प्लान तो है, बस आपकी हाँ करने की देरी है ना, ना गाइस। ये क्या बोला, किसने बोला फक मी, मुझे तो ऐसा ही सुनाई दिया। वेल जो भी है, बहुत छिछोरी हरकत थी है। पर ये बताओ मेरे को कमेंट में कि मैंने मारा कैसा, अच्छे से मारा कि नहीं, पीछे से गया हमला कर दिया पीछे से बार। फिलहाल चलते हैं अपने अड्डे पे, तो हमारा अड्डा तो नहीं है, इनके अड्डे पे, वास के अड्डे पे कह सकते हो, लॉगिंग कैंप का नाम दिया इन्होंने। ठीक है सामने बंदे हैं, किधर है भाई, अच्छा दूर हैं। फिलहाल इनसे भिड़ने की जरूरत तो नहीं है, मैं निकलते हैं हम सीधा। तो गाइस एक पॉइंट ऑफ और याद रखना कि हमने डेजी को बचाया, लीजा को नहीं। लीजा हमारा लव इंटरेस्ट है और डेजी जो है वो दोस्त है और आगे शेर है। भैया ऐसे ही भिड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, ना तो हम पे इतनी खतरनाक गन है, ना ही हमारे पास कई सारी गन है, हम तो मर ही जाएंगे। ठीक है मैंने मार्क लगा लिया इसको, आसपास भी आएगा तो पता चल जाएगा। वैसे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यू नो कि हम कोई साइड क्वेस्ट जो है वो तो प्ले कर नहीं रहे, मगर जो हम डायरेक्ट जा रहे हैं अड्डे पे, तो बीच में हमें कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि गेम को दर्शाती हैं, और इसमें काफ़ी मज़ा है, दैट्स व्हाई मैं दिखा भी रहा हूँ, वरना सीधे ले जा के दिखा देता। मगर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो आप स्किप कर सकते हो ऑब्वियसली। अरे ठुकी नहीं यार, मुझे लगा ये ठुक जाएगा, मर जाएगा, इसकी तो स्पीड बढ़ गई थी उल्टा। अल जो भी है, ठीक है गाइस तो हम आ गए हैं लॉगिंग कैंप में। ठीक है और गाइस सीन चेंज होते हुए, मतलब चौंकना मत, मैं मर गया था, मैं भूल गया था कि हमें डिटेक्शन जो है अपना अवॉइड करना है, क्योंकि वरना वो अलार्म बजा देंगे, फिर हम गोली उड़ाएंगे कैसे, मतलब उनकी गोली बंदूक वेपन्स जितने भी हैं।
तो कई सारे बंदे हैं और कैमरे से भी बड़ी देर में मार्क लगा यार, काफ़ी अजीब बात है। गल कोई बात नहीं, बंदे ढूंढते हैं जल्दी से। और ऊपर क्या टाइगर भी है भाई, टाइगर से बचना पड़ेगा यार, सीधे हमला कर दिया तो। और सामने कुर्सी पे बैठा हुआ था वो तो अच्छा हुआ दिख गया मार्क लगने से, वरना दिखता नहीं। ठीक है भाई, अभी मैं साइड से जाऊंगा, पहले मैं सीधे सीधे गया था। एक है, एक सेकंड को बंदा है सामने, पता है जब मैंने गोली का जो आगे वाइट वाइट आता है साइन, उस पर लाल हो गया। वो तो तभी होता है जब हम किसी को मार सकते हो, तो मैंने इसलिए कैमरा खोला और बंदा था, दिख ही नहीं रहा था यार। एक सेकंड में भागते हुए गया और ये आ रहा है। ठीक है, कूद के साइड में निकल जाते हैं और फिर ठोक देंगे, ये भी सही स्ट्रेटजी है, बस वर्क करनी चाहिए। वैसे मुड़ते हुए जाएगा, जब मुड़ते हुए जाएगा तब ठोक देंगे। जा बेटे। ठीक है, गया, ये भी गया। वेल, अभी सामने एक बंदा है, किधर है? ठीक है, इसको भी मारते हैं। आगे पत्थर फेंक दिया। एक सेकंड, ये तो हमारी तरफ आ रहा है यार, मुझे लगा दीवार की साइड जाएगा। हम दूर थे शायद, पत्थर इसलिए नहीं गया, इसलिए मैं दोबारा फेंका, क्योंकि इसकी कमर हमारी सामने होनी चाहिए ना, तभी हम टेक डाउन कर पाएंगे अच्छे से, वरना हमें देख लेगा और फिर हम गेम अच्छे से पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे ही टफ में खेल रहे हैं। ठीक है, अभी एक गेट पर बैठ के कुछ कर रहा था एक बंदा, ये देखो बैठा है, इसको टपकाते हैं, है ना, बाहर से सारे बंदे टपक जाने चाहिए। अब बाहर आएगा लौंडा। अब ठीक है भाई, ये भी गया। एक राइट में है पानी की साइड, और अलार्म सामने है, अलार्म को डिसेबल कर देते हैं पहले। ठीक है, साइड में बंदे, अभी देखने वाला था मेरे को। वैसे टाइगर तो काफी दूर है, मुझे नहीं लगता इतनी डरने वाली बात है। ठीक है, मैंने अलार्म डिसेबल कर दिया है, अब तो कोई नहीं कर पाएगा, मार ही नहीं पाएगा हमें। जल्दी जागे, गया। ठीक है, क्योंकि देखो गाइस, मैं सबको मारना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं सबको मार दूंगा तब मैं जाऊँगा बम लगाने, क्योंकि बम लगाने के बाद तो सबको पता चल ही जाएगा, सब हमला कर देंगे मेरे ऊपर, फायदेमंद नहीं है ना ये। ठीक है, पत्थर फेंको, कमर दिखा, कमर दिखा, ये भी गया नवाब कहीं का। और गाइस, दो बंदे बचते हैं, दो नहीं, यहाँ पे तीन थे यार, देखो राइट में और सामने दो बंदे थे, मार्क नहीं लगा होगा शायद, देखता हूँ यार, क्योंकि सीधा टपकाना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ देखो, पैर दिख रहे हैं, देखो पैर दिख रहे हैं नीचे से, ऐसे तो पता नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं, इसको ठोकूँ क्या, मार्क, चलो मार्क लगा लिया, या सामने जा रहा है, ठोक देते हैं, और देख लिया, बच गए। पत्थर फेंक देते हैं आगे, इससे पहले कि मुड़े, बच गए यार, वो देख लेगा लेकिन ऊपर जो है, मुड़ जा, मुड़ गया। ठीक है, इसको ठोकते हैं और उसको पता चल गया शायद कुछ, इसको आहट आई है। ठीक है, इसको तो हम ठोक ही देंगे, पीछे से वार करेंगे साले के। ओके, इस पीछे से भगते हुए जाते हैं, गोल घूम के आएंगे, इसके पीछे वार करेंगे। इसने लाश देख ली, भागते हुए जाता हूँ। अरे यार, टेक डाउन नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। क्या? और अच्छा, पानी वाले की साइड का तो भूल ही गया मैं,
इसको तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, भूल ही गया था मैं गाइस। और क्या शेरू, शेरू को अभी कुछ नहीं हुआ। ओ लौंडा मजे से खड़ा है। फिलहाल हम बॉम्ब फिट करके जल्दी से भग जाते हैं। अच्छा एक बात बड़ी कमाल की यार, मतलब सोचने वाली बात है, जो राखियाज है उन्होंने बोला कि भैया हमारे लोग मर सकते हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हम आ गए उनकी हेल्प करने। देखो गाइस बम फट चुका है। मगर सबसे कमाल की बात तो यह है कि यार तो साली की हमारी मदद करने क्यों नहीं आए, हम अकेले अकेले क्यों जा रहे हैं भैया मारने, बहुत ही अजीब बात है। मतलब उनको आना चाहिए था ना। अरे यार एक और कार आ रही है, थोड़ा निपटा देते हैं इनको। गए Tell me about your friends. The radio said Voss was recording ransom videos at PC. PC? Pirate's Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the path will help you succeed. तो गाइस डेनिस बेसिकली हमें कॉल करता है और बोलता है कि भैया बहुत ही उम्दा काम करा है तुमने, साले अकेले करवाता है, हमसे शर्म नहीं आती। तो बेसिकली गाइस हुआ ये है, तो ये बोलता है कि भैया अपने दोस्तों के बारे में बताओ, हम बताते हैं कि हमने रेडियो में बात सुनी है कि वास जो है वो रैंसम वीडियोज जो होती हैं, मतलब रैंसम यू नो वो होता है काइंड ऑफ फिरौती, तो पीसी पे करता है स्टोर, मतलब वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है मतलब रखता पीसी पे। तो ये बताता कि उसे पायरेट कोव बोलते हैं लेकिन हम उसे सनसेट कोव बोलते हैं, तो वहाँ पे ही उनके प्रिजनर्स होंगे, जाओ ढूंढो। तो हम बचाने जा रहे हैं गाइस। तो मैंने सोचा कि भैया पहले क्यों ना हम टावर जो है उसको ऑन कर दें, है ना, यहाँ का मैप तो हमें दिख नहीं रहा है, ऑन कर देते हैं। तो गाइस मैं तो आपको सीधे फाइनली लेके चलता हूँ, फाइनली क्या लेके चलता हूँ आपको सीधे अपने अड्डे पे जहाँ पे हमें जाना है। तो देर किस बात की, चलते हैं लीजा को बचा दें। वैसे इन्होंने जिक्र नहीं करा, इन्होंने सिर्फ बोला है कि एक प्रिजनर को, लेकिन इस बार मैं पक्का एक्यूरेट हूँ, एक पर्सन जो है मतलब प्रिजनर जो है वास की, वास का या वास की कुछ भी कह लो, वो है लीजा, ठीक है, हमें पता है, पता है, इस बार गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस बार मैंने पक्का सच बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बार रिसर्च करी है, रिसर्च क्या करी है पता है मेरे को, ठीक है। देखो उड़ गया, ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी, उड़ गया ना। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं डायरेक्ट अड्डे पे। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं अड्डे पे, सामने आइलैंड है, उधर ही है अड्डा जहाँ पे हमें बचाना है लीजा को। कॉल आ रहा है डॉक्टर अर्नहार्ट की तरफ से जिसने डेजी को रख रखा है, और ये डेजी ही बात कर रही है, कह रही है कि डॉक्टर का फ़ोन अभी भाड़े पे लिया है, बट ये कह रही है कि भैया कहाँ पे, हम कह रहे क्लोजर हैं थोड़ा अपने दूसरे कैंडिडेट के, कैंडिडेट तरह से बोल दिया दोस्त की तरफ बचाने के लिए। तो डेजी बोल रही है कि भाई देखो डॉक्टर ने मेरे को मूव कर दिया है केव में, जो कि बेसिकली घर के नीचे ही है, और ये ज़्यादा सेफ है क्योंकि पायरेट्स आने लगे हैं, उनसे दवाइयाँ ले जाते हैं, तो भैया ये ज़्यादा सेफ है मेरे लिए। डॉक्टर बड़े चर्चे में साहब, तभी जिंदा रखा है इसको, प्रिजनर नहीं बनाया इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बंदे हैं, और उन्होंने बोला है कि मुझे केव में एक बहुत ही तगड़ी चीज़ मिली है, तुम्हें देखना पड़ेगा। तो मतलब लीजा को पहली बात तो हमें ले जाना है, जब बचाएंगे डॉक्टर अर्नहार्ट जो है मान गए थे, तो उस केव में ही रखेंगे मतलब अपने बाकी सारे दोस्तों को, तो लीजा को बचा के भी वहीं पर रखेंगे, और डेजी तो है ही वहीं पर, और उसको जो मिली है चीज़ वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, जाके देखेंगे तभी आपको देखने में मज़ा भी आएगा ना, हमें कुछ तगड़ी सी चीज़ मिली है। फिलहाल हमने एक बंदे को टपका दिया है, कई सारे बंदे हैं इस कैंप में, और अभी शाम हो रही है, मैं शाम किसी वजह से बोल रहा हूँ, अभी देखना समझ में आ जाएगा मैंने शाम क्यों बोला। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने सारे बंदों पर मार्क लगा लिया है, मतलब मेरे हिसाब से कोई छूट जाए तो भाई पता नहीं। और यहाँ का सायरन जो है, जो अलार्म है उसको डिसेबल मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को अभी तक दिखा नहीं है, वरना सबसे पहले मैं अलार्म डिसेबल करने जाता ना, ऑफ कोर्स। फिलहाल एक बंदा आगे आ रहा है क्योंकि मैंने पत्थर मारा था, देखा तो होगा ही आपने, एक और पत्थर मांगा, आगे बुलाया है मैंने इसको, अभी मैं फिर एक और पत्थर मारूंगा, फिर उसकी कमर मेरे को दिखेगी और मैं टेक डाउन कर दूंगा।
that would be nice. Whoever that is, you better be a stripper. ठीक है, टेक डाउन करने का टाइम आ गया गाइस। अरे खोपची रे खोपची, देखो फिर उड़ा। अभी जो पिछले सीन में मैंने दिखाया था, दो बंदों को टपकाया था, उसमें भी एक बंदा उड़ा था। पता नहीं क्या यार ये, पहले मैंने लिटरली जब पहले खेला था फार क्राई 3, उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं हुआ था, पता नहीं अब क्यों हो रहा है, गॉड नोज। एक सेकेंड, मैप में ज़रा स्पीकर सा दिख रहा है मेरे को, क्या वही है क्या? सायरन मतलब अलार्म। फिलहाल पहले इसको मारते हैं, ये मूत रहा है गाइस। मतलब सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट मैं क्या कह रहा था यार कि यार मुझे ना दिल में हॉल हो रही थी, एकदम से जैसे इसके पास आऊँगा ये मुड़ ना जाए। और यहाँ पे सांप की आवाज़ आ रही है, कहाँ है यार, दिख जाए एक बार, कभी पता चले मेरे को अटैक कर दे, हम पकड़े जाएँ। ओके, मेरे ख्याल से वो, देखो रुको रुको, हाँ सामने है, ठीक है, एक कमरे के अंदर है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, साइड से चले जाएंगे, भला हमें क्या ही दिक्कत है। इसको पत्थर मार के बुलाते हैं फिलहाल। और इसको इतने सारे पत्थर मिलते कहाँ से हैं? मतलब मुझे तो ज़मीन पे नहीं दिख रहे यार पत्थर, उठा के फेंक रहा हो जो। अनलिमिटेड पत्थर है बंदे पे, ठीक है आ रहा बंदा। एक सेकंड, ये तो कमरे में घुस रहा है। अरे सांप ने डस लिया गाइस, सांप की किसी से जा रही नहीं है। और एक गाना जैसे बज रहा, मतलब साउंड ट्रैक आवाज़ आ रही है ना आपको, इससे मुझे लगता है सब चौकन्ना हो गया ना, सांप जो है निकल गया है, क्योंकि हमेशा काट के निकल लेता है। और ये मेरे ख्याल से अटक गया है, ये चीज़ मैंने लिटरली फार क्राई 3 में पहली बार देखी है कि सांप ने दुश्मन को मतलब डस लिया हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ होते हुए तक देखा नहीं है। वेल एवरीथिंग इज फर्स्ट टाइम, मतलब हाँ बोल रहा हूँ मैं, हर चीज़ कभी ना कभी पहली बार तो होती है, कभी ना कभी क्या पहली बार होती है, उसके बाद ही तो ठीक। फिर से सांप की आवाज़ आ रही है। और गाइस चढ़ते हैं ऊपर, अरे क्या हो रहा है यार, ऊपर देख लिया बंदे ने, शिट यार, मैं अलार्म ऑफ करने जा रहा था, अलार्म बजा दिया कुत्ते ने, अब और बंदे आएंगे। फक यार, ऐसे ही लड़ना पड़ेगा क्या? ऊपर से टफ भी है ये, ठीक है पहले हील करते अपने आप को। बच गया एंड टाइम पे, एकदम एंड टाइम पे बचाऊँ मैं। और गाइस आप देख सकते हो मेरी पावर में 2 स्लॉट नहीं है, 3 स्लॉट है। मैंने अभी स्किल्स जो है अपने बढ़ाए हैं, उसमें मेरे को पावर में 3 स्लॉट मिल चुकी हैं, और अब मैं अलार्म को डिसेबल नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, सायरन तो बच ही गया, ऐसी लड़के देखते हैं क्या पता जीत जाए। फिलहाल आप शो इंजॉय करो। ओके गाइस, अब हम ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि उन्हें पता नहीं है हम हैं किधर। बस मैं सिचुएशन समझा रहा था, बाकी तो शो एंजॉय करो। इसीलिए मैं छुप छुप के भी जा रहा हूँ। What?
गाइस देखो तारीफ तो नहीं करूँगा बट कई बार मैं मौत के मुंह से निकला हूँ अभी, मतलब बिल्कुल समझ लो जीरो पावर है मेरी और एकदम से हील एकदम सही टाइम पे हुआ और बच गया। ठीक है दो खोतिया बचे हैं, मार देते हैं खोतिया को। ए खोते मरेगा तू, किधर है बंदा? मिल गया, गोली चल रही थी और दिख ही नहीं रहा था, लेकिन ठीक है गया भी तो कैसे टेक डाउन से। ये शुरुआत में होता तो समझ में भी आता, ऑन गोइंग जंग में टेक डाउन, ऑन गोइंग जंग में टेक डाउन हो गया बाबू भैया, मजा आ गयो। तो गाइस हमें सामने जाना है, चाबी हमने ले लिया। अरे और बंदे आ रहे हैं, बेचारा अफसोस कैसी मौत मरा है। ऑन गोइंग मौत में टेक डाउन, पता नहीं मैं डायलॉग कितनी बार बोलूंगा। ठीक है और ही बंदे आ रहे हैं, आवाज आ रही है, अच्छा खड़ा ही था। देखा ये कह रहा है लीजा आई एम कमिंग, मगर इसको कैसे पता चला लीजा आ रही है, मतलब लीजा आ रही है मतलब लीजा को हम बचाने वाले हैं। गाइस पता नहीं या तो मैंने स्टोरी पर ध्यान नहीं दिया या फिर आई डोंट नो किसने मेरी बात सुन तो नहीं ली रिकॉर्ड करते हुए कि आगे क्या होने वाला है, बट सीरियसली इसको कैसे पता कि लीजा जो है हम उसको बचाने जा रहे हैं अभी, यहाँ पर मतलब लीजा प्रिजनर बनी हुई है। आई डोंट नो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, इतना इलॉजिकल तो नहीं करेंगे फायर क्राई वाले, क्योंकि यू बी सॉफ्ट बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है, सॉरी कंपनी है, फायर क्राई है फ्रेंचाइजी तो। और गाइस मैंने शॉटगन ले लिया क्योंकि गन बची नहीं थी और इस सब के सब शॉटगन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा ये गन यूज़ कर रहा है, कोई बात नहीं, मैक्सिमम भी शॉटगन वाले मिले हैं। देखो ये भी शॉटगन वाला ही था। और हम ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते, पुल है क्योंकि हमने कोई पाउच वाउच बनाया नहीं है, क्योंकि हम चलो बार बार क्या ही बोलना, फिलहाल अपने भैया लोग का है। ये तो फुटेज है सिर्फ, देखो ये भी कह रहा है कि लड़की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फुटेज है और एक जानवर कैद है और ये लीजा ही है। तो कह रहा है वास्तु किधर है? अरे भाई साहब एकदम से हमला और हमें उल्लू बनाया, रे क्या करें भाई उल्लू बन गए हम तो। ठीक है हम कैद वैद में है और सामने क्या है, लीजा है और ओलिवर भी है, एक तीर से दो निशाने, वाह। मगर कैद में हम और ये पागल पागल हो गया क्या बस? ये कह रहा है कि भैया तुम्हें इंक किसने दी? कह रहा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हें इंक किसने दी? सितरा ने दी क्या? ये सितारा जो भी लिखा है उसकी सिस्टर है, लिखा है माय सिस्टर, मतलब बोल रहा है मेरी सिस्टर है। और ये पागलों की तरह बोल रहा है कि तुम्हें लगता है इससे तुम हमारी तरह हो जाओगे, मेरी तरह हो जाओगे क्या? मतलब सठिया क्या लगता है, वैसे इसकी बातें सठियाई भी होती हैं। और ये कह रहे हैं कि भैया मैं जो है बुलेट डाल दूंगा अपनी सिस्टर के में, मतलब खोपड़ी उड़ा दूंगा जैसे तुम्हारे भाई ग्रैंड की उड़ा दी थी। और कह रहा है कि भैया तुम बहुत ही गुस्से में हो, कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हो, और विदाउट फैमिली कि भैया हम हैं भी कौन, सोच लो। अपनी सिस्टर के बारे में बताता है ये कहते हुए कि भैया मैंने सबसे पहला मर्डर जो था जो मारा था वो अपनी बहन के लिए मारा था, मगर वो उसके लिए काफ़ी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है ये, और थोड़ी बकवास ही कर रहा है यार, ये बहुत ही लगता है फ्रस्ट्रेटेड है। देखो सुनो चिल्ला रहा है, अब हंस रहा है, सच में क्रेजी कैरेक्टर है यार ये। फकिंग थिंक दैट आई नीड टू मेक अ फकिंग चॉइस
ये बोल रहा है कि बेसिकली जो लाइटर है वो बहुत ही बेकार है, मतलब चला नहीं ना इसलिए, इससे क्या चला ही नहीं। तो ये बोल रहा है कि भैया ये बहुत ही गलत है, और ये भी कह रहा है कि भैया अब तुम्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मिटाना पड़ेगा। और कह रहा है रो मत। अरे भैया तू मारने वाला है, रोए भी ना क्या, पेट्रोल तो छिड़क ही दिया वैसे भी, सठिया गया पूरा। ये कह रहा है भैया आई एम स्वेयर टू गॉड, गॉड की कसम खा के बोल रहा है कि भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और तुम्हें प्राइवेसी की ज़रूरत है, मैं तुम्हें प्राइवेसी दे रहा हूँ, बेसिकली मैं मार के प्राइवेसी दे रहा है। ये ऑलिवर को तो देखो ले गया इसलिए ताकि हम दोनों एकांत में मर सके। काफ़ी अजीब है यार। ठीक है हम अपने आपको छुड़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से बचा लेंगे हम पिज़्ज़ा को। ये क्या हम तो गिर गए। वाओ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देख रहे हो भाई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये। मेरे ख्याल से कई सारे सीन आएंगे ऐसे। ठीक है बोल रहा है कि भैया लीजा मैं आ रहा हूँ खोत्या। ठीक है 3 मिनट हम पे। ओके पानी चल पड़ा है, शायद आग बुझ गई। ओके अब क्या करना है। अच्छा ठीक है पाइप पे शूट करना है, पानी बहा, आग बुझ गई। ठीक है निकलते गाइस। क्या कहाँ से जाए। अच्छा ठीक है There's fire everywhere. हर जगह आ गई आग। 2.5 मिनट शेष, सुबह हो गई। अच्छा मैं भूल गया, मैंने आपको बताया था कि नहीं, मैंने आपको बोला था कि रुको गोली मार दे पहले। मैंने आपको बताया था कि भैया याद रखना कि शाम हो रही है जब हम अड्डे पे आए थे, क्योंकि फिर एकदम से रात हो गई थी। मेरा मुझे पता नहीं मैंने आपसे बताया कि नहीं बताया, लेकिन मतलब अब बता दी ना, ध्यान रखना एकदम से रात हो गई थी और अब हमें हम गिरते। भैया हेल्प मांग रही है, उसे ये नहीं पता कि हमारी कितनी पटके चाह रहे हैं। अब यहाँ से अच्छा ठीक है पाइप था मैंने उड़ा दिया। आगे कहाँ से जाए। अच्छा ये रास्ता। भैया ये कह रहा है कि भैया मुझे और मैं हीट सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जगह जगह आग है। क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सहन करना तो पड़ेगा। और 1.5 मिनट बचे हैं सिर्फ। मैं अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बहुत टाइम लगाया हो, तो अच्छा मैंने बचा लिया। ठीक है ये हाँ हाँ भैया हमारे सामने ही ले गए थे, पगला रही है। ठीक है इस बंदे के पास एक आइडिया है, जेसन यानी हम। अब हम भी जाने जरा क्या आइडिया है वो। अबे कूद भैया आखिरी तरीका है, ये कह रहा है आखिरी तरीका है भैया कूद वरना मर जा। ओ भाई साहब पड़ी होगी। सीन काफी अच्छा गाइस, लाइक सीरियसली मतलब महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं वहां पे हूँ और मैं गिर गया। ठीक है उन्हें पता चल चुका है कि हम भग गए हैं, आगे मेरे ख्याल से पीछा करेंगे हमारा। फिलहाल गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है धक्का मारना पड़ेगा और दम लगा के हाइशा। और ये तबाही ही तबाही, मजा आ गया। और हम जो कह रहे हैं कि मजा ही आ गया, तुमने क्या देखा ऐसा एक्सप्लोजन। और लड़की जो है घबरा गई है, कह रही है तुम्हें पागल वागल हो गए हो क्या, एक्सप्लोजन भाई उसके लिए तो नया चीज़ है ना, उन्हें तो मतलब वो तो बंदी थी अभी, उससे क्या पता कि हम कितनी लड़ाई जंग करके आए हैं। ओ भाई साहब क्या उड़ी है कार, और सीधी खड़ी हो गई दोबारा, इस पर ही मार बच गई। भाई साहब ये भी खड़ी, अच्छा पता ही नहीं चला नीचे गिर गई गया। ओ भाई साहब ये भी खड़ी हो गई, बंदा उड़ के गया, सही है भाई। और वो घबरा रही है कि मतलब तुमने शूट कर रहे हो वगैरह, नहीं है
इसको पता नहीं है सब। ग्रैंट होता तो भाई बहुत मज़ा आता, क्योंकि वो तो आर्मी का बंदा है। ये कह रही है कि भैया मैं फोकस कैसे करूं जब तक मुझ पे कोई गोली चला रहा है, तो क्या कर सकते हैं यार, यही है, फंस गए हैं। तो मैं सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ गाइस। देखो वो वाली कार भी खड़ी हो गई, बम मारने के बाद कार उड़ रही है और खड़ी हो जा रही है। क्या कोई टेक्निकल ग्लिच है? खड़ा नहीं होना चाहिए था उस कार को, वो तो पलटी हुई थी। एक और आ रही है, ये भी गई। और देखो टायर भी उड़ता हुआ जा, मतलब उड़ता हुआ नहीं, देखो कितना खड़ा होता हुआ जा रहा था। और ये इनके बीच में टेंशन बढ़ गई है, कार रुक गई है, तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अभी ट्रक को। कार जो है चल नहीं रही है, क्या कर सकते हैं, बंदूक से ठोकना पड़ेगा। मारो कुत्तो, अरे बहुत सारे बंदे यार। शिट यार, नहीं गए। चल कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से आगे जाएंगे, शीशा तोड़ेंगे, अब इनकी बात लगाएंगे, जो ही ना बात। अच्छा हुआ साइड में उन्होंने दे रखा था जानबूझ के बम, और हम पे अचानक से ऐसे पिस्टल आ गई, हम पे पिस्टल थी नहीं। ये भी गौर करने वाली बात है, जादू, मतलब ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो गया, क्योंकि इन्होंने, हाँ सुनो, इन्होंने अब इस कार में से भी अजीब जो भी कह लो उसमें से निकालते हुए नहीं दिखाई है, और हम फाइनली बच गए हैं। और जेसन अभी कह रहा था कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि भैया क्या इन्हें उड़ा के ले गया, और ये कह रहा है कि फाइनली हमने कर दिखाया। और ये कह रही है कि तुम्हें मजाक लग रहा है, या तो हम मर सकते थे या फिर हम गुलामों की तरह बिक सकते थे, लेकिन ये काम डाउन करता है इसको, और ये डर जाती है, क्या कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि तुम्हें पता है कि भैया पायलट्स उन्हें कहां ले गए हैं, ये कह रही है कि भैया ओलिवर को एक बंकर की साइड में ले गए हैं, और कीथ और डीजी के बारे में श्योर नहीं है, और राइली ग्रैंड का ऐसे पता नहीं है। अबे तो चारों के बारे में श्योर नहीं है ना फिर तो ये, और बेसिकली हमने इसको बता दिया है कि ग्रैंड मर चुका है, और अभी बता देंगे कि डेजी को हमने बचा लिया है। देखो अभी इन्हें बोल दिया, ठीक है सेफ प्लेस पे है, हम इसको वहीं पे ले जा रहे हैं अब। ओके चलो लोडिंग को भी काट देते हैं, और मिशन सक्सेसफुल हो चुका है गाइस, अब हमें केव ढूंढनी पड़ेगी। सामने है केव, नीचे बोल रहा है अंडर है केव, बोला है कि सेफ हाउस के अंदर है। अब ये रही, वैसे ये इसका कोई सेंस नहीं, मतलब अंदर कैसे हो सकती है, तो नीचे है ना यार, ये घर से रास्ता हुआ तो नहीं होता, फिर लोडिंग। हाँ तो मैं कह रहा था घर से होता हुआ तो नहीं जाता है रास्ता। वेल हम ले आए हैं इसको, सामने है डेजी और ये रही लीजा, ठीक है भरत मिलाप। कह रही है आखिर तुमने करी दिखाया, कह रही है डेजी मुझे माफ करना, मतलब क्यों, ये कह रही है मुझे रो के बहुत हो चुका, बहुत आंसू फाड़ चुकी हूँ। अब देखो भैया ये मिली है शिप हमें, अगर हम रिपेयर करें तो हम सीधे निकल सकते हैं, इसको ओशन में उतार सकते हैं, और ये शायद बोट एक्सपर्ट है, कह रही है कि से द बोट एक्सपर्ट, बोट एक्सपर्ट, ओके आई विल टेक अ लुक, क्या बोल रहा यार मैं। वेल ये कह रही है कि एक पार्ट मिसिंग है, तो अच्छा ये बिजी है अभी, मिशन का नाम भी है कीपिंग बिजी, तो मिशन का कुछ ऐसा है पार्ट जो है मिसिंग है, और हमें पता है सामने जादू से, क्योंकि गेम वालों ने हमें बता दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा मैप में दिख रहा है आपको सर्च एरिया, ये ढूंढ लेते हैं पीस। सांस अटक गई है, देखो सामने है, पहले तो ऊपर जाना पड़ेगा, क्या ले लेते हैं, नहीं ऊपर ही जाना पड़ेगा गाइस, चलो अब चलते हैं, ठीक है निकलते हैं अब। तो गाइस देखो वीडियो तो बस खत्म होने वाली है, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो पहले वीडियो में हमने बचाया डीजी को, इस बार बचाया लीजा को, अब अगर स्टोरी इतनी ही रही मतलब लेंथ में, तो हम जैसे 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है गाइस, तो 50वें मिनट में हम शायद तीसरे कैरेक्टर को भी बचा लें, ठीक है। तो अभी पार्ट देने का समय आ चुका है, और कह रहे हैं
अच्छा इसने बोला कि भैया तुमने फाउंड कर लिया, तुम ही लगा दो फिर, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। ओके ट्राई कर रहा है, शुरू मिला था क्या? Are you done yet? Almost. ठीक है ये कह रहा कि भैया ऑलमोस्ट हो ही चुका है, और ठीक है बोट चालू करके देखते हैं, मतलब इसने चालू करा है और चालू हो गई है। We can take it from here. कह रही है कि भैया हम यहाँ से तो निकल सकते हैं लेकिन अभी निकलेंगे नहीं ना, और ये कह रही है कि भैया जाने से पहले लीजा से मिलते हुए जाना, चलते हैं। मुझे लगा डर जाएगी है जैसे पीछे हाथ रखेंगे, पर नहीं हुआ ऐसा कुछ, अफसोस। ये कह रही है कि भैया मैं हर रात सपना देखती थी कि हॉलीवुड में हूँ, लेकिन जब मैं उठी तो कह रही है हम कह रहे हैं आई एम सॉरी तुमने मिस कर दी अपनी शूटिंग, तो ये कह रही है तुम्हारी गलती नहीं है भैया, हम तो स्काई ड्राइविंग कर रहे थे बस, चलो कम से कम अच्छी बात है कि हम सेफ हैं। और ये भी कह रही है कि भैया तुमने मुझे बचाया, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी वजह से, ये भी अच्छी बात है हम हीरो बन चुके। तो कह रही है कि भैया हम पे कोई एक्शन प्लान है, ये कह रहा है कि भैया अगर मैं रायली को ढूंढ लूँ और बाकी दोस्तों को तो मैं डेजी की हेल्प कर सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि आप जानते हो रायली को पायलट लाइसेंस मिल चुका है तो ये उड़ा सकता है ऑब्वियसली, यहाँ पे लाइसेंस की बात नहीं है, यहाँ पे स्टोरी से मतलब है कि भैया हम जो पायलट, हम पे एक पायलट है बेसिकली, बस पायलट को छुड़ाना पड़ेगा और पायलट जिंदा भी है। तो ये कह रही है भैया जो भी कर रहे हो बस ठीक से करना, सेफ रहना, तुम मर गए तो हम तो निकल भी नहीं पाएंगे, यहीं पे पड़े रह जाएंगे। तो वेल गाइस वीडियो तो होती है ख़त्म, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आपको बोला था कि मैंने असासिन क्रीड, वॉच डॉग्स और GTA 5 की वीडियो बना रखी है, मेरे पास और भी कई सारे गेम्स हैं, आप चाहो तो मैं उनकी वीडियो बना सकता हूँ, आप बस कमेंट सेक्शन में एक बार बोल के तो देखो यार कौन सा गेम, मैं उसी गेम की वीडियो बनाऊंगा, और फार क्राई की तो बना ही रहा हूँ, चाहे तो बस अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार फिर से बोल देना कि भैया कमेंट में कि भैया फार क्राई की सीरीज चाहिए, कि मतलब इसके बाद फार क्राई 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, न्यू डॉन भी चाहिए, जो भी चाहिए बस कमेंट करके बता दो। और ये कह रहा है कि भैया अब टाइम आ चुका है सितारा से मिलने का, जो कि वास की बहन है, लेकिन वो हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तो ये जो है अभी सुनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अगली वीडियो में सुनेंगे ऑलरेडी दोबारा। तो ठीक है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और यार लाइक तो कर देना यार प्लीज, है ना, लाइक करना अच्छी बात होती है यार, इससे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और कमेंट जैसा कि मैंने बोला कर देना यार। तो तब तक के लिए बाय गाइस, ठीक है फाइनल वाला बाय।